हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं, ये वृत्त का है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और पढ़ लेंगे 8 और 9। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सवाल देखिए, प्रश्नवली 10.2 है जो कि गणित है, एनसीईआरटी का और क्लास 10th का ये, ठीक है। यहाँ पे हमको एक वृत्त की परिगत, वृत्त की परिगत मतलब वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बना हुआ है ए बी सी डी, जो कि दिया हुआ है ना, ए बी सी डी ये दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही दिया हुआ है और लिखना है कि सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और ये जो बिंदु है ना, देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो रहा, स्पर्श रेखा कर रहा है ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो स्पर्श बिंदु ही बन रहा। तो इसका अभी नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर एस, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, किताब में दिया हुआ है। अब देखो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बहुत सिंपल सा ये सवाल है, बस आपको ध्यान से समझना है जी, ये होता है क्या, कैसे सिद्ध करें, क्या लाएं। आप जानते हैं जी, ये जो देखो बना हुआ है, जैसे पी बी क्यू देखो, तो एक वृत्त दिख रहा, बाकी सबको गोली मारो, ये सब ए डी हटाओ, सब खत्म करो। ये मान लो एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये वृत्त बना हुआ और ये बी बिंदु से बी बिंदु से स्पर्श बिंदु क्यू पर गया और बी से स्पर्श रेखा बिंदु पी पर गया। तो बाहर किसी वृत्त के बाहर जो स्पर्श रेखाएं पर बिंदु आती है, इस तरह से देखो, किसी कोई वृत्त है, कोई बाहर से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं जो होती है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है जी, समान होती है ना, पढ़े कि नहीं पढ़े जी। यहाँ से अगर यहाँ गए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो स्पर्श बिंदु हुआ, ये जो रेखाएँ क्या है, समान है। इसी तरह से हमारे इस वृत्त में जो फिगर दिया हुआ है, इसमें चार पीस बना हुआ, देखो जी, पी बी क्यू, बी जो है बाहरी बिंदु है, बाहरी पॉइंट है, और इसमें पी क्यू और क्यू बी क्या है, बराबर है ना। यहाँ पे सी बाहरी बिंदु है, तो आर सी और क्यू आर क्या है, बराबर है। क्यों बराबर, आप जानते बेहतर तरीके से, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी पॉइंट से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं आए, तो उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है जी, समान होती है। यहाँ पर डी भी देखिए बाहरी बिंदु है, ये यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर, एस भी बाहरी बिंदु है ए, तो एस और पी। अगर आपसे बोला जाए क्या P बाहरी बिंदु है, नहीं, P जो अंदर में ये वृत्त पे है, एस बी पी क्यू आर एस ये वृत्त पर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन A B C D ये क्या है, बाहरी में है। तो हमको तो यहाँ तो इतना पता चल गया जी कि वृत्त के बाहर में कौन A, कौन B, कौन C, कौन D, बहुत अच्छा समझना। A में भी वही कंडीशन दिख रहा कि ए पी और ए एस क्या है, बराबर है। इसमें वही दिख रहा कि पी क्यू, पी बी और क्यू बी बराबर है। इसमें वही दिख रहा कि आर सी और क्यू सी क्या है, आपस में बराबर है। इसमें वही दिख रहा कि डी आर और एस डी क्या है, आपस में बराबर है। यहाँ पे तो एक पॉइंट में देता हूँ, चलो ऐसे नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ नहीं, बस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक लैंग्वेज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, बस इसमें हल करना है, लिखना जो भी है। चित्रानुसार लिख देते हैं यहाँ पे, चित्रानुसार है ना, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है ना, वृत्त के परिगत मतलब वृत्त के बाहर, जिसमें क्या है, जिसमें ए बी सी डी वृत्त से बाहर है, वृत्त से कहाँ है, बाहर है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, पी क्यू आर एस वृत्त के अंदर नहीं है, ए बी सी डी जो है वृत्त के बाहर है, तथा पी क्यू आर तथा ए जो है वृत्त के स्पर्श बिंदु है, क्या है, स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर लिखते हैं स्पर्श बिंदु है, यहाँ आपको इस लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा कि ए बी सी डी जो है बाहरी बिंदु है और पी क्यू आर है जो वृत्त पर स्पर्श बिंदु है या स्पर्श पर है, यहाँ पे भी आप ये भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इस अगर त्रिभुज में देखा जाए, यहाँ पे चार त्रिभुज बन रहा, एक तो यहाँ पे बन रहा पी क्यू आर, ये त्रिभुज नहीं बन रहा सॉरी, ये वृत्त वाला एक बन रहा ना, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ कंडीशन, एक यहाँ एक यहाँ, सिर्फ छोटा बड़ा है और कुछ नहीं। तो इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अगर हम अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक और लिखना, हम जानते हैं कि ये लेंथ तो लिखना पड़ेगा ना, तथा हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी? हम यही जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से, किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, खींची गई, इतना लिखना पड़ेगा ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कर दीजिए, है ना, समान होती हैं। जानते हैं ये समान होते हैं, ये जानते हैं ठीक है। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा आ रहा है तो उन दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जैसे यहां देखिए, बी भी आ रहा, बी से बाहरी बिंदु से आ रहा तो पी क्यू समान हो गया, सी से आ रहा तो आर क्यू समान हो रहा, डी से आ रहा तो एस आर समान हो रहा, ए से जा रहा तो एस पी समान हो रहा। तो अब हमको वन बाय वन करके यहाँ पे लेना पड़ेगा। यदि ए बाहरी बिंदु है, ए अगर बाहरी बिंदु है तो ए पी और एस आर आपस में, ऐसे क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। यदि ए बाहरी बिंदु है तो ए पी बराबर एस, है ना, समीकरण फर्स्ट मान लेते इसको। देखो अगर ए बाहरी बिंदु तो ए पी और एस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर लिखते हैं इसी तरह से लिखेंगे, यदि बी बाहरी बिंदु है तो, अब देखिए अगर बी बाहरी बिंदु है तब बी पी बी क्या होगा, पी बी और क्यू बी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। पी बी और क्यू बी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमको वही लिखना पड़ेगा, पी बी या बी पी लिखो, बी पी या, हाँ बी पी लिखो ठीक है, बी पी और क्यू बी, तो बी पी बराबर बी क्यू, हमारा समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। फिर लिखना पड़ेगा, यदि सी बाहरी बिंदु है तो, अब देखिए सी अगर बाहरी बिंदु है तो यहाँ से लिखेंगे सी क्यू और सी आर, है ना, सी क्यू और सी आर हो जाएगा बराबर। तो हम या तो फिर सी आर सी क्यू जो भी लिख दो, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी आर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू हो गया। समीकरण क्या मानेंगे इसको, सेकंड मान लेते हैं। फिर लेते हैं एक, यदि डी बाहरी बिंदु है तो, अब देखिए अगर डी बाहरी बिंदु है तो क्या लिखेंगे, डी आर और डी एस, है ना, डी आर या आर डी जो लोगों, डी आर डी एस यहाँ पर लिख देंगे। चलो यहाँ पर लिखते हैं डी आर बराबर किसका है, एच डी का, है ना, डी आर एच डी या डी आर डी एस जो भी लिख दो, बात वही है। समीकरण क्या हो गया, फोर हो गया। अब सभी समीकरण को क्या करेंगे, सभी को जोड़ दीजिए, सभी समीकरण को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड तथा फोर को जोड़ने पर, कुछ है नहीं बस इसमें यही सब कर रहा, तो जोड़ दीजिए, है ना, इधर बाएं को बाएं तरफ से दाएं को दाएं तरफ से, ए पी बी पी सी आर डी आर इस तरह लिख देंगे हम। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर को आर सी लिख दो, प्लस आर डी, इधर क्या बनेगा, ए एस, देखो है ना, इधर ए एस वाला, ए एस बी क्यू, ए एस बी क्यू ठीक है, प्लस क्या बनता है, सी क्यू, सी क्यू प्लस एच डी लिख दिया। अब देखिए ए पी और बी पी, ए पी और बी पी यहाँ पे देखिए, ए पी और क्या हमारा आया, ए पी बी पी, है ना, ए पी और बी, देखो यहाँ ए पी प्लस बी पी और ए पी प्लस बी पी, तो ए पी प्लस बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी को हम ए बी लिख सकते हैं क्या, चूंकि ए बी के अंदर आ रहा, तो ए पी प्लस बी पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी, इसके बराबर क्या लिख देंगे हम, ए बी, चूँकि उसी के बराबर आ रहा। देखो आर सी और आर डी, देखो आर सी कहाँ गया, आर सी और आर डी, है ना, यह हमारा आर सी है, यह हमारा आर डी है, तो यहाँ पे सी डी या डी सी लिख देंगे, चूंकि यही बोल रहा हमारा आर सी और आर डी, तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तब यहाँ पे लिख देंगे सी डी, बहुत आसान से ये बनेगा बराबर। इधर देखिए ए एस क्यू बी बी क्यू, देखो ए एस और क्या है हमारे, यह ए एस है और बी क्यू है ना,
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए एस और बी क्यू, देखिए यहाँ पे ए एस और बी क्यू, उसके बाद देखिए हमारा ए एस लिखा हुआ है और एच डी हम कर सकते हैं, देखो ए एस एच डी मिला सकते हैं ना, ए एस एच डी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए एस एच डी, यहाँ देखिए ए एस और एच डी, तो ए एस एच डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। चलो तो हम यहाँ पर ए एस एच डी को यहाँ लिख देते हैं, ए एस और एच डी मिलकर क्या बन गया, ए डी बन गया। और देखो बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, देखो बी क्यू और सी क्यू क्या बन गया है, बी क्यू सी क्यू मिलकर बी सी बन जाएगा, ये बी क्यू है यहाँ सी क्यू है, तो मिलकर बी सी बन गया, तब यहाँ पे लिख देंगे बी सी। आ यही तो लाने बोल रहा था, ओके प्रूव। तो इसमें कुछ नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे ये जाना कि इसका बाहरी जो होता है चारों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है बाहर में, है ना, बस वही करना और कुछ नहीं करना है इसमें, समझे। ओके चलो सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 9 देखें, बहुत ईजी सवाल है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा इसको अच्छे तरीके से, है ना, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो देखिए क्या बोलता है, आकृति में दिया हुआ है या बना हुआ आकृति, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक कॉमा लिखा हुआ है, एक्स डैश और वाई डैश, एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं, यानी कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। जो लिखा हुआ है उसको पहले ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, बाकी जो मैं बताऊंगा आप आराम से उसको समझ लोगे, एकदम इजी से समझ लोगे उसको, ठीक है। फिर क्या बोलता है, ओके, और स्पर्श बिंदु सी, देखो सी क्या है, स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु पी क्यू भी है, लेकिन यहाँ देखो सी के बारे में बोला, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है ए बी, सी पर कैसी स्पर्श रेखा है, ए बी नाम है, सी पर जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु सी पर ए बी स्पर्श रेखा है, एक्स वाई को ए पर, यानी कि ए बी जो है ना एक्स वाई को ए पर करती है प्रतिच्छेद और एक्स डैश वाई डैश को बी पर करती है प्रतिच्छेद। आया समझ में सवाल, यानी कि जो दिया हुआ उसको यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ उसी का यहाँ फिगर दिया हुआ है कि एक वृत्त बना हुआ है और एक्स डैश वाई डैश उस पर जो है दो समांतर रेखाएं हैं, ओ नाम का कोई वृत्त है और जो सी हमारा स्पर्श बिंदु है उससे एक स्पर्श रेखाएं जाती है ए बी, ठीक है, ए बी स्पर्श रेखाएं जाती है, तो जो ए बी है ना, ए बी जो है एक बार एक्स वाई को प्रतिच्छेद करती है ए बिंदु पर और एक्स और ए बी जो है फिर एक्स डैश वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वही ए बी, यहाँ इधर ए, इधर ए बी जो है बी पर करती है, इधर ए बी ए पर करती है, इसी बात को हमको लिखना है। अब हमको कोण ए ओ निकालने बोल रहा है, ए ओ बी ये कोण हमको निकालने बोल रहा है ना, ये कोण निकालने के बोल रहा है। अब इस कोण को जब निकालने हैं तो हम देखो यहाँ पर हम ये जो है हम ये जो पी से ओ तक क्या है त्रिज्या है, तो ओ से सी तक भी त्रिज्या होगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल ओ से सी तक भी होगा, क्या होगा, त्रिज्या होगा, ये बात समझ रहे सब। अब यहाँ पे देखें हमारा कितना, हमारा सवाल क्या बोल रहा है, ओ ए ओ बी क्या निकालने बोल रहा है, ए ओ बी, ए ओ बी यानी कि आपको हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे ए ओ, ये देखो ये कौन निकालने बोल रहा है, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी निकालने के लिए कह रहा है। तो अब यहाँ पे देखें अगर हम ये त्रिभुज देखें, ओ ए सी, दो त्रिभुज मिल रहा है, ओ ए सी और ओ पी ए, ये देखिए एक ये जो है ना वृत्त पर बाहरी बिंदु क्या है हमारा, ए है और ए से स्पर्श रेखाएं पी ए और ए सी है और आप जानते हैं वृत्त के बाहर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उन दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई क्या आपस में बराबर है, जो भी पिछले सवाल में पढ़े थे 8 नंबर में, ये दोनों की लंबाई समान होती है चूँकि ये वृत्त के बाहर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं आती है तो बराबर होती है। इस तरह से इसमें देखें क्यू ओ क्यू बी और ओ सी बी में, यहाँ भी देख रहे हैं बाहरी बिंदु ये रेखा आपस में ये दोनों भी ये रेखा है क्या है, बराबर है, तो हम इन दोनों को सर्वांगसम साबित करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आना कहाँ पे, ए सी ओ ए ओ बी में आना है, ए ओ बी में, ठीक है, तो इनको हमको सर्वांगसम साबित करना पड़ेगा। तो कैसे साबित करेंगे, आइए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं चित्र में दिया है कि, दिया है कि क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ चित्र में चित्रानुसार हम बनाते हैं त्रिभुज ए पी ओ, देखो ए पी ओ ये त्रिभुज देख रहा, अच्छा आपको ये भी पता है कि स्पर्श रेखा पर जो
स्पर्श रेखा जो जाती है, तो स्पर्श रेखा पर जो वृत्त कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा और यहाँ पे बन रहा भी है 90 डिग्री कोण, इन दोनों पर भी कितना डिग्री बन रहा, 90 डिग्री कोण बन रहा, ठीक है। लेकिन हमको लाना है ए ओ बी लाना है, तो इन जाना, तो हम त्रिभुज ये ए ए पी ओ और फिर ए सी ओ, ए सी ओ इन दोनों को करते हैं सर्वांगसम साबित करते हैं। ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में ये देखें, अब आप जानते हैं जी ए पी और ए सी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ए पी और ए सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जानते वृत्त के बाहर, इसलिए इसमें क्या देख रहा है कि ए पी बराबर क्या है ए सी, ए पी ए सी आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिख दे क्योंकि वृत्त के बाहर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये बात आपको लिखना पड़ेगा, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, किसी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो हमको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वांगसम के लिए बहुत सारे नियम होता है सिद्ध करने का। देखो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए या तो ये नीचे करते हैं, हो सकता है ये पे, या तो हो सकता है एस 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 हो जाए, या तो एस ए एस हो जाए, सैड एंगल सैड, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा, या तो कौन 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 हो जाए, या तो कौन कौन हो जाए, ये चारों में से कोई एक हो जाएगा तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो तरीके सर्वांगसम आप सिद्ध कर सकते हैं इन दोनों को। देखिए एक तो हमारा ए ए पी ए और ए सी बराबर हो गया, दूसरा क्या बराबर होगा, देखो यहाँ पे दूसरा जो इस त्रिभुज पढ़ते जब पढ़ते हैं ए ओ पी जब पढ़ते हैं या ए पी ओ पढ़ते हैं, तो ए पी ओ में ये जो हमारा ए ओ आ रहा, ए पी ओ में ए ओ भुजा आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा, और ए सी ओ में भी ए ओ भुजा आ रहा, यानी कि ए ओ ए ओ दोनों में है ना, ए ओ जो है वो दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं ए ओ बराबर ए ओ। ये कैसा है, उभयनिष्ठ, यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, ये लिख लिए। दूसरा यहाँ पे तो दो भुजा आ गया, अब चाहो तो एक कोण ही बराबर कर सकते हो, है ना, या तो तीसरा भुजा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। एक कोण बराबर करना, तो देखो क्या करेंगे, ए पी ओ में देख रहे हैं पी 90 डिग्री बन रहा, क्योंकि जानते हैं कि वृत्त के बाहर जो स्पर्श रेखाएँ खींचती है तो उस पर जो त्रिज्याएँ होती हैं वो क्या होती है, लंब होती है। उसी तरह से यहाँ पर सी भी लंब 90 डिग्री बनेगा, ए सी ओ भी 90 डिग्री बनेगा। लेकिन इसको छोड़ के पहले हम इसी सिद्ध कर लेते हैं। देखो ए पी ओ, पी ओ क्या है, इस त्रिभुज इस वृत्त में पी ओ क्या है, त्रिज्या है ना जी, पी ओ क्या है, त्रिज्या है, यानी कि केंद्र से जो वृत्त पर खींची गई जो रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ए पी ओ ए क्या बोल रहा, ओ पी जब त्रिज्या है, जब ओ पी त्रिज्या है तो ओ सी भी त्रिज्या होगा, है ना, जब ओ पी त्रिज्या है वृत्त का तो ओ सी भी क्या है, त्रिज्या है, मतलब ओ पी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसी को यहाँ पर लिख देंगे, है ना, कि ओ पी बराबर ओ सी, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लिख लेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्या है, है ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, जब जब तीनों भुजा बराबर, देख रहे तीनों भुजा बराबर हो गया, इस त्रिभुज में जब हम लिए ए पी ओ और ए सी ओ जब लिए, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब त्रिभुज ए पी ओ और ए सी ओ आपस में क्या है, सर्वांगसम हो गया, है ना। इसका मतलब है त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ओ, है ना, ए पी ओ और ए सी ओ आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कैसे हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा, भुजा, है ना, भुजा 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 सर्वांगसमता से, सर्वांग समता से, भुजा भुजा सर्वांग समता से, ये तीनों क्या, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो यहाँ पे एक कंडीशन तो पक्का यहाँ पे जाहिर दिख रहा, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका कोण भी बराबर होगा, है ना, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया इसका मतलब उसका कोण भी बराबर होगा। क्योंकि समरूप कैसे होता है, जब एक त्रिभुज बना हुआ है, जब एक दो फिगर बना हुआ, अगर मान लें कि दो फिगर बना हुआ यहाँ पे, इस तरह से मान लो दो फिगर बना हुआ है, अगर सर्वांगसम है, सॉरी सर्वांगसम अगर है, तो इसको उठा कर अगर इस पर रख देंगे तो सेम टू सेम झप जाएगा ये, यानी कहने का मतलब यह है
कि ये दो त्रिभुज है तो जो ये होगा वही ये भुजा होगा, जो ये भुजा वही ये भुजा, तो ये जो ये भुजा ये वही ये भुजा, तीनों भुजाएं जब बराबर होगी इसका मतलब कोण भी बराबर है तब तो भुजाएं उतना डिग्री पे झुक रही है ना, जब कोण बराबर तब तो भुजाएं झुक रही है। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर देखें कि पी ए ओ, पी ए ओ ये कोण जितना ये कोण है उतना ओ ए सी, ओ ए सी इधर वाला कोण भी क्या आपस में बराबर है, क्योंकि त्रिभुज क्या हमारा सर्वांगसम सिद्ध हो गया, सर्वांगसम साबित हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो पी ए ओ जो त्रिभुज है, जो कोण है पी ए ओ, इधर वाला ओ, इधर वाला एक कोण और इधर वाला भी एक कोण, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ए, इसलिए कोण पी ए ओ बराबर है कोण ओ ए सी, है ना, ये क्या हो गया बराबर है, क्योंकि हमारा त्रिभुज क्या हो गया सर्वांगसम साबित हो गया तो बराबर हो गया। अब हम देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये जो आपका लिखा हुआ है ये तो आपस में बराबर हो गया। हम देखो अब हमको हमको निकालना पूरा कोण, हमको पूरा कोण निकालना है जी, हम पूरा कोण बोले तो ये कोण पूरा, ये पूरा कोण हमको निकालना है, ये पूरा कोण समझे, ये पूरा कोण हमको निकालना है, यानी कि पी ए सी निकालना है। तो पी ए सी निकालने क्या करेंगे, पी ए ओ और ए ओ ए सी यानी कि इधर वाला कोण, इस त्रिभुज वाला कोण पी ओ ए, पी ए ओ, पी ए ओ और ओ ए सी को क्या करेंगे जोड़ देंगे, पी ए सी अगर निकालेंगे पूरा त्रिभुज पी ए सी, ये है ना कोण दिख रहा है पी ए सी बड़ा कोण, तो बड़ा कोण निकालने के लिए छोटा कोण और ये छोटा कोण को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, यहाँ पर वही बात को यहाँ लिखेंगे, तो कुछ है ना समझना आपको, यहाँ पर पी कौन पी ए सी क्या है, कौन पी ए सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं कौन पी ए ओ प्लस कौन ओ ए सी, हमको ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़ के हम क्या ला सकते हैं पी ओ ए, पी ए ओ और ओ ए सी जोड़ के लाएंगे पी ए सी ला सकते हैं। अभी हम तुरंत यहाँ पे साबित किए हैं ये दोनों भुजा आपस में क्या है पी ओ ए और ओ ए सी आपस में कौन क्या है बराबर है ना, कौन आपस में बराबर है। तो जो पी ए ओ है देखिए एक्चुअली में हमको इधर वाला कोण की जरूरत नहीं, हमको जरूरत है इधर वाला कोण का, क्योंकि लाना क्या है ए ओ सी, तो ए इधर आया देखो ये त्रिभुज ए ओ बी लाना, ये लाना हमको समझ रहे ना, ये लाना है तो इधर वाला कोण की जरूरत है, इधर वाला कोण की जरूरत नहीं है। तो हम पी ए ओ के जगह पे, क्योंकि पी ए ओ और ओ ए सी आपस में क्या है बराबर है, तो इसके जगह पे हम इसको भी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि कैसे लिखेंगे देखो, ये जो पी ए ओ ओ ए सी आपस में बराबर है तो ओ ए सी के जगह पे पी ओ ए लिख सकते हैं, पी ओ ए के जगह पे ओ ए सी लिख सकते हैं, लेकिन हमको ओ ए सी की जरूरत है, पी ओ ए की जरूरत नहीं है, तो पी ए सी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम कौन ओ ए सी, और ये भी कौन हो गया कौन ए ओ सी। अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ देते हैं कौन पी ए सी, तो जोड़ कितना टू कौन ओ ए सी हो गया, ओके। अब जब ये हो गया, अभी हम तुरंत बनाए थे पी ए ओ, है ना, ए पी ओ थे जब त्रिभुज लिए थे, और ए सी ओ, ए सी ओ जब लिए थे तो ये आया। इसी तरह से अगर सेम टू सेम यहाँ पे करें तो सेम प्रक्रिया होगा, जो काम यहाँ पे इसमें हुआ वही काम इसमें भी होगा, तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार करके। इसको कैसे लिखेंगे पी ए सी बराबर क्या लिखे थे पी ओ ए प्लस ओ ए सी, तो इसको भी लिखेंगे सी बी क्यू बराबर क्या लिखेंगे ओ बी क्यू और ओ सी बी, है ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे वही बात को लिखना पड़ेगा हमको इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार हमको क्या लिखना पड़ेगा देखिए क्यू बी सी हमको निकालना है कौन क्यू बी सी, यहाँ देखें, यहाँ देखें क्यू बी सी बराबर निकालेंगे, जैसे पी ए सी कैसे निकालते उसी तरह क्यू बी सी निकालते, तो क्यू बी सी निकालेंगे निकालेंगे इधर वाला कौन इधर वाला कौन जोड़ेंगे, इधर वाला कौन इधर वाला कौन को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो हम इसको लिखेंगे इधर वाला कौन की क्या लिख सकते हैं देखो, अब जोड़ने से मतलब तो समझ रहे हैं, है ना, हमको एक्चुअली निकालना क्या है ओ बी सी निकालना, क्या निकालना ओ बी सी, तो जैसे ओ ए सी को टू ओ ए सी लिखे कि नहीं लिखे, क्योंकि पी ओ पी ए ओ ये जो पी ए ओ है और ओ ए सी आपस में बराबर है, तो इसको जब किए तो ओ ए सी दो ओ ए सी आ गया, तो हम लिख सकते हैं दो ओ बी सी लिख सकते हैं कि नहीं टू ओ बी सी, क्योंकि इधर वाला कोण इधर वाला कोण आपस में बराबर है, जिस तरह हल करेंगे उसी तरह से हल होगा यहाँ पर भी सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो ओ ओ बी सी के यहाँ पे केठू लिख सकते हैं ओ बी सी, जान रहे हैं कि जो ये कोण है वही कोण ये है, तो ओ बी सी यहाँ पे दो ओ ए ओ बी सी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू
OBC हम यहाँ पे लिख दिया। अब देखें यहाँ पे, देखें ये यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा हमारा 90 डिग्री का कोण। बिल आया, बिजली बिल कब आया? चलो ढेर बिल आ गए, 400 पार हो गए, फिर 470 रुपया। तब बिलवा कैसे आ लेना, पंखा चालू खूब ना, अंधे कितना है ले? देख लो जो जो हम आए वाले गिलास लेके। ध्यान नहीं दिया, मैसेज वाला नोटिफिकेशन बंद किया, आया होगा उठा ली, गैस चेंज कर लो, बदल लो, गैस बदल लो, गैस आई लेल पाए तुम्हारे रोज पूछ रहे हैं लड़का के नाम ही नहीं तभी आप पका लो ना। सुहेल के 8 बजे सुबह लड़के ना तोरा के सुबह, हां अगर कि कल नहीं लगो तो के नहीं लगो, हम लगा लेंगे तो लग गले, अगर लग गए वो लगा लेंगे। अरे तो ना अपना तो दे देते उठा करके, आज तो ये करते दे देते आई रे है सुहेल से मेरा ससुराल साली शादी लावे लगे दिन में, तो हम तो लगे इतना लगे नहीं लग लगे कसम से, कैसे लगा लेगा वो समझ ना लूंगा। अगर ठोक ठाक के लगा ले, ऐसे ठोक ठाक के लगा ले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो OBC लिखेंगे, OBC और फिर AOB, देखो जी OBC OAC और फिर OBC और AOB, मैं पहले लिख लिया था इसमें, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अब देखो तीनों कोण को मिला कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तीनों कोण जोड़ के 180 डिग्री होता है। इतना बराबर अभी तुरंत हम लाए, इतना बराबर देखो लाए कि नहीं, इतना बराबर क्या लाए, 90 डिग्री लाए। तो AOB OAC और OBC बराबर 90 डिग्री लाए, 90 को इधर भेजे तो 90 प्लस प्लस था बन गया माइनस में, और घट का कितना गया, OAB बराबर आ गया, AOB बराबर कितना 90 डिग्री आ गया। यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो 9 सवाल क्लियर हो गया, ज़्यादा नहीं, आपका 4 सवाल और बच रहा है इस वीडियो में, इसके बाद इस लेसन को ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म कर दिया जाएगा। ओके मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।